मैं रिलैक्स, मैं दानियाल, मेरा दिल कर रहा है ये देखो मेरे ऐसे पानी पीने वाले उसमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिजन वर्ल्ड में आपका खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं हाजिर हुआ हूँ। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि सुल्तान भाई ने हमें कहा था कि ये हमने जो है ना जाल कटवा देना है, तो आज हमने जाल जो है ना वो कटवा देना है। और जाल काटने के लिए आज हमने जो है ना एक भाई हैं हमारे, वेल्डिंग का काम भी करते हैं, उनको हमने बुलाया हुआ है। तो उनसे अभी हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कितनी देर में हम जो है वो जाल काट लेंगे। तो आइए अभी उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कि कितनी देर में ये कटिंग होती है। तो हम जब से भी ये पूछते हैं हम कितना टाइम हमें जो है ना वो लग जाएगा। और अभी हम जो है ना ऊपर आ गए हैं और हमारे कबूतर भी ये खुले हैं। हाँ तो अमजद भाई आप ये बताएं कि कितनी देर में ये जाल हमारा कट जाएगा, ये जो पीछे नज़र आ रहा है कट जाएगा आधे घंटे में। अच्छा आधे घंटे में कट जाएगा ये, कट जाएगा। अच्छा क्या प्रोसीजर है इसका काटने का? इसका प्रोसीजर है साढ़े पहले इसकी हम ये फ्रंट उतारेंगे, फिर इसका बैक उतारेंगे। तो यार तो कोशिश करना, यहाँ आप देख रहे हैं जैसे मौसम ख़राब है, बारिश होने का मौसम है, तो कोशिश करना यार आप जो है ना आधे घंटे में काट दो, क्योंकि सुल्तान भाई ने हमें कहा हुआ था, वो अभी काम पे गए हैं, वो आने वाले हैं। ठीक, तो उनके आने से पहले जो है ना हमने ये काट देना है। ठीक है, अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं ऊपर कबूतर बैठे हैं, इसकी वजह से हम इसको कटवा रहे हैं ताकि ये ऊपर जाके ना बैठे। तो दोस्तों मैं अभी छत पर आया हूँ, सुल्तान भाई छत पर आए हुए हैं और अभी इनका इंप्रेशन देखते हैं फेस के कैसे हैं, क्योंकि हमने जाल कटवा दिया है और जाल कटवाने के बाद वो जो जालियाँ थी वो सारी नीचे रख ली हैं। तो अभी आगे हम सुल्तान से मिलते हैं। अभी यार कैसा फील कर रहा है जाल कटने के बाद? देखो मैंने यार अपना काम कर दिया, मैंने जाल कटवा दिया, आपने कहा था जाल आपका कट चुका है। देखते हैं आप, अभी आगे देखते हैं आपको। भाई यार ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, देख रहे हो आप माइक भाई, छपरी बराबर हो गई है ना, जो पहले कबूतर ऊपर बैठ जाते थे ना हमारे जाके, आप जो आगे देखो ऐसे मदारी और वो बैठ जाते थे, आप देखना कबूतर कितना मजा कराएंगे। एक तो जाल भी तो हमारा टूटा हुआ ना जाल, यार मंडी से लेके जुम्मे को चलेंगे जाल लेके आते हैं, आप देखते हैं कि ये जो है ना हमारा जाल हटने के बाद कबूतर कैसा उड़ता है। आप आएगा ना मजा, आप देखो खुश हो रहा है भाई, वाह भाई वाह, ये देखो कोई आप बिठाएंगे कबूतरों को, आप मजा आएगा। अच्छा यार इसने कालू मदारी ने बड़ा तंग किया यार, हाँ वो तो मैं तो जलील करके रख दिया था, जब देखो ऊपर बैठ जाता था जाल। तो अब देखो ना ये बराबर हो गया, ऐसे कबूतर बुलाएंगे हम, ऐसी त्रोड़ मारे कबूतर सीधे छपरे पे आएंगे। वो जैबो कबूतर भी मैंने आज खोल दिया, वो भी उठा है, आप जो मर्जी खोल दे, अब हमारी परेशानी नहीं है। जैबो जैबो जो है वो लड़ने के काबिल है या नहीं, ये देख रहे हो तुम्हारे सामने ये सारे, ये सारे लड़े पिटे कबूतर हैं, ये सिर्फ जो है ना जाल से खराब हुए हुए थे, अभी ये जाल ने खराब किए हुए थे ये सारे कबूतर हमारे, अब ये जाल नहीं है ना ये यहाँ बैठेंगे नहीं। वो कल यार अभी जब आप जाल हमने हटाया है ये, हाँ ठीक है, अब कबूतर तो हमारे उठ रहे हैं सही, तो देखो लड़ भी रहे हैं कबूतरों के साथ, लड़ भी रहे हैं। अब आप ये बताओ कि कितना रिलैक्स हो गया? मैं रिलैक्स, मैं दानियाल, मेरा दिल कर रहा है ये देखो, मेरे ऐसे जो है ना ये देखो खुली टुल्ली छपरी हो गई, हाँ सुकून आ रहा है। आप मतलब के एंजॉय ज्यादा होगा, एंजॉय ज्यादा होगा, मेरे कालू मदारी जो था उसको उठाते थे वो जाल में जाके बैठ जाता, वो बैठ जाता था, टेंशन उल्टा जो उठाओ वहाँ बैठ जाए यहाँ बैठ जाए, वही करके रखता, कोई भी कबूतर आता था वो उसको पीछे लग जाता था, उसको अभी करता था। अब ये देखो, ये देखो मेरा दिल कर रहा है मैं इनके साथ उड़ूं, वाह
क्या सुकून आ गया, ये बड़ा अच्छा काम। आप देखो कैसे उड़ रहा है वो, देखो। हाँ, आप देख, उसको पता है ना, अब कोई जगह नहीं है, डंडे नहीं पड़ेंगे इसको। और जयपुर जो था, जयपुर जयपुर के तो क्या ही बात है, अभी भी उड़ा वो बैठा हुआ, देखो जयपुर तो जो है इसका भी मैंने बड़ा बड़ा इसका बंदोबस्त ये करूंगा, मैं लेके आऊंगा बड़ा डंडा, इसको एक दो तीन से तो लगे। नहीं नहीं, डंडे नहीं लेके आना, अब जो हमारे ये ब्रीडिंग सेटअप है ना, ये दिखाओ जरा, इसको भी हम खत्म करवाएंगे। इसको खत्म करवा के ब्रीडिंग सेटअप हम और पे किसी और जगह पे करें। ठीक है ना, असल में इनको आदत पड़ी हुई है ना, आदत बनी हुई है इनकी जो है ना, ये देखो इधर। हाँ, अब ये इधर ही बैठेंगे, इनके साथ दिल कर रहा है, मैं तो इनके साथ ही रहूं, अब तो दिन रात मैं जो दिल कर रहा है, सुकून है इनके साथ, सुकून हो गया, यकीन करो। मैं कब से कह रहा था, यही जो मशवरा था ना, यही बात मैं कह रहा था कि कबूतर जो है ना ऊपर बैठ जाते हैं, और ऊपर कोई भी कबूतर आगे बैठता है वो जो है ना फिर हमें परेशानी करती थी, कालू मदारी जो है ना ऊपर चढ़ जाता था। और आप ये देखो कितना मजा करा रहे हैं, आराम से बैठे, जब मर्जी इनको उठाओ, लड़ाओ, भिड़ाओ, हमने इनको। ये हमारा पुष्पराज। हाँ, पुष्पराज देखो, आप देखो, पुष्पराज साला झुकेगा नहीं है, ये है इसकी कहानी पुष्पा की। तो अब यही है कि भाई इंजॉय करेंगे ये भी, और हम भी। जो हमारा कबूतर बीमार हो रहा था ना, हाँ, उसको उस दिन हमने देखा था, ये सामने बैठा, ये दर्द क्या था इसको, उसको मैंने मतलब कि मेडिसिन इसको दी थी, पैनाडोल का सिरप दिया था, बुखार था हल्का सा, अभी माशाल्लाह उड़ रहा है। वही ना मैं कह रहा था कि बुखार की इसके हरारत है, कोई ये तीन दिन हो गए मैं इसे देख रहा हूँ। बाकी यार वो कल हमने फिर छत की सफाई भी करनी है, गंद बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, जाहिर है वो गंद छत। हाँ, सारा जो है ना पहले से जो जाल में जो पीठे शीटे ये वो और इसकी पहले मादी बैठी थी, हालांकि यहाँ पे तो ब्रीडिंग सेटअप भी नहीं है, ये असल में मादी छोड़ी हुई थी अंदर, पता नहीं क्या सीन हुआ है। ये असल में जो हमारे करो ये जाके जो बच्चे है ना जो हमारे वो अंदर अंदर हो गए, सेल्फ हो गए, वो बड़े हो गए, अब यानी कि ब्रीडर हो गए। पानी पीने वाले बर्तन में ये देखो, बर्तन बाहर नहीं निकाला था, बाहर का निकाला, नजर ही नहीं आया, वो नीचे पड़ा था पानी शानी, तो बाहर जाल में था ना, मैं किसमें दे दिया देखो। हाँ, जाल में पानी शानी पिला दिया, अंडा इसने दिया, ये बैठी वाइट कलर की है ना, इधर पानी पिलाओ इसका। हाँ, इसने अंडा दिया भाई, ये भी सही होगा, करना क्या है अब इसे रखा रहे अंदर, क्या करें इसका यार, यहाँ पे बच्चे तो निकलवाने नहीं क्योंकि फिर बच्चों को मारते हैं और भी कबूतर। चलो अभी तो रखते हैं इसको, फिर कहीं और सेटल कर लेंगे, कोई हेल्पर नहीं, अंडे उंडे दिए किसी ने, हेल्पर ने तो किसी ने दिए, जिसके नीचे चेंज यार वो एक हेल्पर लगाया तो था, हेल्पर एक लगाया, फिलहाल रख दो इसको, दो होने दो अंडे, इसका क्या करते हैं। यार एक कबूतर निकल गया हमारा भाई, ओए यार तो भाग गया यार कबूतर, यार कबूतर निकल गया यार, स्माइल भाई कहाँ गया। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने जाल जो है वो कटवा दिया है, और हमारे जो पिजन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और खुश हो गए हैं, अब सही से उड़ रहे हैं, सुल्तान भाई भी खुश हैं, और एक कबूतर हमारे ने अंडा दे दिया था और उसी की जो मादी थी वो बाहर निकल के भाग गई, अभी उड़ रही है, वो नहीं आई। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलते हैं, आपको बताएंगे वो कबूतरी वापस आई है या नहीं आई, क्योंकि वो जाल उतर गया था, अभी वो लोकेशन को डिटेक्ट करेगी और फिर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हम और मज़ीद ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। मिलते हैं आपसे बाद में, खुदा हाफिज़।